नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी बताकर एक व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी की कोशिश करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ट्वीट कर साझा की। माना जाता है कि मामले की जांच दिल्ली पुलिस की तकनीकी रूप से बेहद सक्षम मानी जाने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट को सौंपी गई है। बहरहाल इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी बताकर एक शख्स ने मेल किया और एक व्यक्ति से धोखाधड़ी की कोशिश की। मेल करने वाले शख्स की जल्द पहचान कर ली जाएगी, पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट कर ये जानकारी दी, ताकि इस तरह से प्रधानमंत्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शख्स से जनता सावधान हो जाए। बताया जा रहा है कि विवेक कुमार के नाम से एक मेल कुणाल मर्चेंट नाम के शख्स के पास गया था। इस मेल को भेजने वाले शख्स ने खुद को PM मोदी का निजी सचिव बताया, एक मेज बनाने का ऑर्डर दिया। उसका कहना था कि मोदी जी के दफ्तर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुणाल मर्चेंट नाम के शख्स से ही पुलिस को शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस की तरफ से बस इतना ही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम से फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को जल्द पकड़ लिया।